हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे हॉर्न की रिले की। और गार्डन स्टॉक हॉर्न आते हैं, लेकिन मैंने ये दो हेला क्रोम ट्रम्पेट हॉर्न का एक सेट लगाया है। एक यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ पर। अंदर से अगर दिखाऊं तो यहाँ पर दूसरा लगा है। वैसे जिस गाड़ी में दो हॉर्न आते हैं उसमें रिले लगती नहीं है, लेकिन अभी ये ख़राब हो गया था पानी जाने की वजह से, तो रिले के साथ ही बज रहा था तो रिले लगानी पड़ी। रिले यहाँ पर लगी है और अभी बजा कर दिखाता हूँ। चलिए आप एक अलग चीज़ दिखाता हूँ जो शायद आपने अभी तक ना देखी हो। मुझे ये वायर लगानी है नीचे वाली वायर को हटा के, यानी इसको हटा के अगर मैं ये लगाऊं तो अब क्या होगा? अब इसके स्टॉक हॉर्न बजेंगे जो कि लगे हैं यहाँ पर, एक यहाँ और दूसरा एक एलईडी फोग लैम्प के पीछे। तो ये मैंने कनेक्शन इसलिए करे हैं, कई बार होता है कि इनका चलान होता है ट्रम्पेट हॉर्न का, तो सिर्फ एक का क्लिप चेंज करनी है और हॉर्न चेंज हो जाएंगे। ये सेट की बजाय जो इसका स्टॉक सेट आता है वो बजेगा। तो चलिए अभी वापस लगा देता हूँ। और अब बात करेंगे वायरिंग की, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। चलिए अब वायरिंग का काम शुरू करेंगे। और ये रिले अपनी गाड़ी में मैंने खुद से लगाई है सब वायरिंग का काम। अभी ले रहा हूँ क्रोम ट्रम्पेट हॉर्न का एक सेट, इनको यहाँ रखते हैं। अब बताता हूँ वायरिंग कैसे करनी है। आप जब भी नए हॉर्न लेंगे आपको इसके साथ एक वायर का ही सेट मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता, आप मार्केट से ले सकते हैं 20-30 रुपये में। अभी बताता हूँ, सपोज़ आपको ये मिला हुआ है तो अभी करेंगे कनेक्शन। एक एंड को आपको अटैच कर देना है हॉर्न के टर्मिनल पे, कोई भी टर्मिनल किसी भी साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी आप किसी भी साइड लगा सकते हैं दोनों। ये कनेक्शन टाइटली करने के बाद बचे आप दो साइड, एक जाएगा अर्थ में एक जाएगा रिले में। कोई भी अर्थ या रिले में जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी साइड आप लगा दें। लेकिन एक को पहले फिक्स कर देना अच्छे से। इसकी मैं लेबलिंग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद रहे, कन्फ्यूज ना हो। ये गया गाड़ी के किसी भी अर्थ की, आप वायर में लगा दे, गाड़ी की बॉडी में, नट में, कहीं भी लगा दे, लेकिन टाइटली लगाना वरना आवाज़ ठीक से नहीं आएगी। अब ये मैं रिले यूज़ कर रहा हूँ, VBL की 12 वोल्ट 20 एम्पियर के रिले, चार टर्मिनल आते हैं अगर लोकल लैंग्वेज बोले तो, चार खूंटी की। मैं आपको सजेस्ट करूँगा अच्छी ब्रांड की यूज़ करें, मिंटा रूट्स की। मुझे अर्जेंसी थी तो मैंने ये ले ली। इस पर लेबलिंग आती है 85, 86, 87, नीचे 30 जिसमें पॉजिटिव लगेगा बैटरी का। चलिए अभी शुरू करेंगे वायरिंग का काम। अब सवाल यह है कि आप इस वायर को कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने कनेक्टिंग वायर बनाई है, आप घर पे बना सकते हैं। इसके जो एंड पे थिम्बल लगे हुए हैं आप 2-3 रुपये में मार्केट से ले सकते हैं। ये वायर बनानी है और इसे अटैच कर देना है, जो कि हॉर्न से एक सिंगल वायर अभी बची हुई है। आप वायरिंग को गाड़ी में ऐसे ही करते हुए चलें, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। इसे लगा देना है 87 नंबर के टर्मिनल में। कनेक्शन से टाइट होनी चाहिए, रिपीट कर रहा हूँ, लूज़ होंगे आवाज़ नहीं आएगी। अब बचे दो आमने सामने के टर्मिनल, ये याद रखें जब एक वायर लग गई 87 की, जो आमने सामने के बचे इनमें गाड़ी से जो मेन वायर आ रही है वो लगेंगी। अब मान लिया ये गाड़ी से आ रही मेन वायर जिसमें आपका ऑलरेडी एक हॉर्न लगा हुआ है, वो आपको लगाना है 85 एंड 86 में, कोई भी साइड, किसी भी साइड आप लगा दें 85 86 में, दोनों वायर आमने सामने कैसे भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो अब ये लग गया, इसकी भी लेबलिंग कर देता हूँ आपकी थोड़ी सुविधा के लिए। अब एक ही टर्मिनल बचा जो अब लगेगा बैटरी के पॉजिटिव में। एक चीज़ का ध्यान रखें, बैटरी का कनेक्शन बाद में करना, इस कनेक्शन वायर से, इस कनेक्टिंग वायर से आप कनेक्ट करेंगे बैटरी को सबसे लास्ट में, शुरू में ना करें, क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव करंट साइड होती है, बाकी कनेक्शन बाद में करेंगे तो स्पार्किंग हो सकती है। अब इसे करेंगे बैटरी के पॉजिटिव में। आप इसे बैटरी से कनेक्ट करने से पहले बीच में एक फ्यूज़ लगा दें, 30 और पॉजिटिव के बीच में एक फ्यूज़ भी लगा सकते हैं, मैंने अभी लगाया गाड़ी में। इसकी लेबलिंग कर देते हैं बैटरी का पॉजिटिव। चलिए अभी ये डन हो गया है, मैं इसमें स्क्रीनशॉट्स बीच में डाल दूंगा आपकी कन्वीनियंस के लिए। अब बात करेंगे एक दूसरा तरीका,
अब मान लीजिए आपको वो वायर का सेट नहीं मिला, थिम्बल आपको मार्केट में नहीं मिला, आप खुद से बनाना चाह रहे हैं क्योंकि ये वायर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, थिम्बल इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, आप घर पे बनाना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे भी अपने काम में सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं खुद से लाकर ये सब बनाता हूँ, ये मैंने बनाया घर पे, क्लिप ला के मैंने खुद से बनाए, तो ये लगा दिया होन के इस तरफ, सेम इस वायर को ले जाना है दूसरी तरफ, दूसरे होन में किसी भी साइड लगा दें, एक इधर लगा दिया, इधर इधर कहीं भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अभी यहाँ लग गया और ये जाएंगे अब अर्थ में, दोनों को एक साथ अटैच कर लें, ये अर्थ में मैंने अलग अलग रंग की वायर यूज़ करी है ताकि थोड़ा आपके लिए समझने में आसान हो। इसे भी लेबल कर देंगे अर्थ, अर्थ आप हमेशा टाइट करें। अगेन 87 नंबर में ये वायर मैंने अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी है। अब अगेन दो टर्मिनल बचे 85 86। देखिए अब ये आ रहे हैं दोनों वायर गाड़ी के अंदर मेन, जिसमें गाड़ी का एक हॉर्न लगा हुआ था। कई बार क्या होता है गाड़ियों में बाइक्स में दो हॉर्न आते हैं, अलग अलग वायर लगी होती है ऑब्वियसली, ये दो वायर हैं अलग अलग हॉर्न लगे हैं, हमें क्या करना है हमें एक ही साइड की वायर यूज़ करनी है, ये वाली कोई भी एक साइड, दूसरी को टेप मार के कवर करके साइड में लगा दें कहीं पर अच्छे से सिक्योरली। हमें ये साइड की वायर अब रिले में लगानी है 85 एंड 86 नंबर में, आमने सामने कहीं भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइट लगाना है। अब बच गया बैटरी, तो बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल आप लगाएंगे रिले के 30 नंबर टर्मिनल में, बीच में आप इस वायर में एक फ्यूज़ लगा सकते हैं सेफ साइड के लिए, आपकी मर्जी है। ये देखिए लूज़ ना छोड़ा है, जैसे ये वाला है टाइट करें क्योंकि एक करंट का टर्मिनल है, अगर कहीं पे लूज हुआ स्पार्क को आप पूरी वायरिंग फूंक देगा, हॉर्न खराब हो जाएंगे सारे। अब दूसरा तरीका, आप चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी में एक और हॉर्न का सेट हो, कई बार होता है कि इनका चलाना है तो इनका चलाना है ट्रम्पेट का, आप दूसरे बजाना चाह रहे हैं रिले के थ्रू ही, रिले में ये मैं एक सेट यूज़ कर रहा हूँ, इनकी भी मैंने वायरिंग कर दी है पैरेलल कनेक्शन, जैसे नीचे वाले हॉर्न का कराए इकट्ठे ऐसे ही, और इनको यहाँ रख के अभी बताता हूँ। इसमें अभी सामने दो टर्मिनल बचे हैं कनेक्शन करने के बाद, ऐसे ही सेम, तो दो टर्मिनल हो गए, इनमें से एक जाएगा रिले में एक जाएगा अर्थ में, इसे लेबल कर देंगे अर्थ। आप दोनों हॉर्न के अर्थ एक ही साथ अटैच करके लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ सेम होता है। अब बच गया ये, इसमें एक कनेक्टिंग वायर फिर से बनाइए, और अब आपको क्या करना है ट्रम्पेट हॉर्न, ये अभी एक अलग सेटअप है, ट्रम्पेट बजेंगे हॉर्न पैड पे, आप चाह रहे हैं छोटे वाले बजने चाहिए, आपको अब ट्रम्पेट हॉर्न को हटाना है रिले से, उसके लिए क्या करेंगे 87 नंबर की पिन को निकाल देना है थिम्बल को रिले से, और इसकी जगह लगाना है छोटे वाले हॉर्न का वो टर्मिनल 87 में। अब बजेंगे हॉर्न पैड जब भी दबाएंगे छोटे वाले हॉर्न, कई बार होता है चलान का डर होता है तो अब छोटे वाले बजेंगे, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्हें चेंज कर सकते हैं, और जब भी आप ऐसे करें कि छोटे वाले हॉर्न बजा रहे हैं तो बड़े वाले की वायर लूज ना छोड़ें कहीं भी इंजन के आसपास, इसे कवर कर दें कहीं पार्ट पर टच ना करें, धूल मिट्टी जाएगी स्पार्क होगा कोई दिक्कत हो सकती है, वो वाला यूज़ कर रहे हैं तो इसे हटा दें अच्छी तरीके से कवर करके। और ये रिले 4 पिन रिले आती है, पहले मार्केट में आती थी 3 पिन रिले, जो कि ये है मिंडा की ओरिजिनल बाय द वे, बट अभी आजकल 3 पिन चलन से बाहर है, अब आ रही हैं 4 पिन रिले, वाटरप्रूफ होती हैं, गाड़ी बाइक स्कूटी हर किसी में लग जाती हैं। और मैं आपको बता दूँ ये जो वायरिंग का मैंने पूरा सेटअप बताया, ये गाड़ी बाइक स्कूटी हर किसी में सेम ही है, आप लगा सकते हैं लेकिन कनेक्शन टाइट रखें, मैं बार बार बता रहा हूँ। ट्रम्पेट हॉर्न जब भी गाड़ी में लगा रहे हैं इसका मुंह नीचे की तरफ करें, वरना पानी जाते ख़राब हो जाएंगे, छोटे वाले ये वाटरप्रूफ होते हैं लेकिन ट्रम्पेट नहीं, मेरे ऑलरेडी एक एक करके दो हॉर्न ख़राब हो चुके हैं, लेकिन टच वुड मैंने वो ठीक कर दिया। तो ये कुछ वायरिंग का तरीका है, इसे हमेशा संभाल के साइड में लगाएं, जब तक एक हॉर्न का सेट बजा रहे दूसरे वाले को अच्छे से कहीं पे लगा दें। तो फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे और अपडेट्स के लिए, और वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर, थैंक यू। और अगर आप भी अपनी गाड़ी में ऐसी वायरिंग करते हैं, यानी कि हॉर्न का अलग अलग सेट लगाएं, तो जब तक आप एक वायर को लगा के रखते हैं तब तक दूसरे को कहीं अच्छे से फंसा दें, मैंने इसमें ये लगाई है ताकि इसमें पानी डस्ट कुछ ना जाए कहीं पर टच ना करें, ऐसे ही सेफ साइड के लिए।
अगर ये वाली लगाते हैं तो दूसरी वाली को निकाल के कहीं पे अच्छे तरीके से फंसा देता।